Hello, assalamualaikum everyone. This is Sid, और आज हम फिर continue करेंगे अपनी story dance simulator की. यार इसके अंदर game के अंदर मैंने बहुत progress कर ली है. Last time आपने देखा था कि मैंने दो cube बना लिए थे, single एक छोटा और एक बड़ा. तो भाई उसको मैंने further दूसरे तीसरे cube पे भी ले लिया chicken के, क्योंकि इस game में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. इस चक्कर में मुझे तीसरा कूप भी बनाना पड़ा और बहुत 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 टाइम लगता है इसमें पैसे बनाने के लिए. पहले जो इस गेम का अपडेट था शायद इसके अंदर न्यू जो था $35 का लगता था, अब इसके बाद वाली अपडेट में ये हो गया $15 का. तो अब हमें जाना है, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे कितने जो हैं एक्स टूट गए. ओके, दो तीन लग रहे हैं मुझे. वेट, वो चिकन चिक्स बाहर चलेगा, मैं अंदर आ जाऊँगा. मुझे इधर कुछ करना पड़ेगा बाउंड्री वॉल का, तो ये बाहर चले जाता है, हमें ये बंद कर देना. अच्छा, ये वाला बास्केट हम उठा लेते हैं जो टाइम यहाँ पे, फिर हम मार्केट जब जाएंगे तो इसको सेल कर लेंगे. अरे चिकन के यहाँ पे अंदर को चेक करने के दो तरीके होते हैं. एक तो ये होता है कि 5 दिन में वेट करो आप, ठीक है, या फिर उस मशीन के थ्रू चेक हो जाता है. तो मैं चेक करके ये आपको बताता हूँ किस तरीके से चेक होगा. मेरे मैं तो ऐसा करता हूँ, 5 दिन वेट करने वाला हो जाता रहता है. ओके, दोनों अंडे अनफर्टाइल हैं, मतलब ये कि ये अंडे से नहीं निकलेगी. इनमें से कोई भी अंडा ऐसा नहीं है जो कि फर्टाइल हो. मैं इसको डाल देता हूँ वापस अंदर, कोई और देखते हैं. या हम एक काम करते हैं, अभी जो अंडे दिए होंगे वो बास्केट में कलेक्ट करके लाता हूँ, आपको उसमें देखते हैं. ओ अभी तक अंडे नहीं दिए मैंने. चलो लेट्स वेट, हम बाद में चेक करते हैं जब तक हम उनको खाना कर सकते हैं. को हम वापस रख देते हैं बास्केट के अंदर, और फिर हम जाते हैं शॉप, अंडे बेचते भी हैं. और अब हमने इसको एक्सटेंड करना है अपने बांध को, और सारी बांध बनाना है हमें यहाँ पे, तो हम वो बनाएंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी ले जाएंगे पहले. तो आई थिंक हम लोग पहले जाते हैं पैदल पैदल गाड़ी लेने. ये वाली गाड़ी छोड़ देते हैं यहीं पे, क्योंकि यस ये पहले मार्केट जाके, मार्केट से जाके सामान लें. पहले दाना पानी देख लेते हैं इनका, मुर्गियों का. ये है नहीं, मुर्गियों को हम घूमने देते थे, बल्ले घूमेंगे. हम पैदल पैदल देखते हैं कितना रास्ता है. कार शॉप का रास्ता तो बहुत ज़्यादा है, तो पैदल जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, करें गाड़ी में चलते हैं, और गाड़ी के बाद में कभी वहाँ से जाएंगे, ये कर सकते हैं. तो हम चले नई गाड़ी लेने, सबसे बड़ा क्या है बांध के.
So we are at car shop और रास्ते में हमको एक डियर देखी तो हमने उसका भी हंट कर लिया तो फिर वो तुम्हारी गाड़ी में पड़ा हुआ है। फिलहाल हम गाड़ी बाय करते हैं और देखते हैं क्या करना है हमें आगे। गाड़ी में आई थिंक ट्रक बाय करें, हमें ट्रक की ज़रूरत है तो हम ट्रक बाय करेंगे क्योंकि हमें कार और जो बाकी चीज़ें हैं लेके जाने का उसको करनी है, इसके लिए यही बेस्ट है। और हमारे पास अभी हैं 5230, मतलब ये कि गाड़ी और बान हो जाएगा, ट्रक और बान, सॉरी। तो चलिए राइट, यस, और ये हो गया, बाय हो गई। अब हम चलते हैं, ये यहाँ पर खड़े हुए तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे ये गाड़ी भी चले चले, वो भी चले चले। आई थिंक पहले मैं जाता हूँ वहाँ से अंडे उठाता हूँ और इस गाड़ी को छोड़ के पैदल ही आता हूँ। नहीं, यहाँ से मैं जाता हूँ जानवर को,
अब बैठे हैं अपने रेंच अब इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट और अंडे भी इसमें डाल देते हैं। पैदल जाते हैं और पैदल जाते वो वाइल लेते आते हैं और ये चीज़ डालते हैं ओके हमारे मुर्गियों का दाना पानी दाना ख़त्म हो गया तो दाना भी डाल देते हैं साथ में दो दोनों में दो दो डाल के छोटे हैं कि हम आते बजे ऐसा ना टाइम लग गया और ये शायद झुक जाएगा और चलते हैं हम पैदल बाहर शॉप पे। So we are almost there. Now something we are just लेते हैं और जाते हैं अपने वेंच या पहले इसमें पेट्रोल लगा देते हैं पेट्रोल ऐसे हाफ टैंक था ऐसे तो कहीं डलवा दें चल कर और दरवाजा भी जान लें या ले कर लेते हैं पेट्रोल डलवा के और कुछ लेते ही जाते हैं ये हम पहुँच गए पेट्रोल लगाने के लिए हम आ गया चलो पेट्रोल हो चुका है फुल अब हम चले शॉप का वहाँ से खाते हैं गाय ये पहले जाकर बांध बना लें पहले जाकर बांध बना लेते हैं पता नहीं कितने का लगना है इसका गाय को छोड़ नहीं पाऊँगा And this car is this truck is so far. Very lush to come for. But the handling can be okay. Whoa. तो ये आ गए हम जर्नलिस्ट और यहाँ सब हम लेते हैं सीधे बहुत फास्ट चल रही है गाड़ी बहुत फास्ट है
I hope it's the petrol jaldi khatam na ho. अच्छा चेक किया कहीं फंसा दी हमने गाड़ी चलो रिवर्स में लेने का और उसे वहां से चेक ले जाते हैं यहाँ से रास्ता क्लियर और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर फिर गाड़ी नेक्स्ट तक आ जाएंगे उतरे अब हम जाते हैं बांध ये यहाँ पे क्या करना चाहिए कुछ खा रहा है हाँ खा पी तो रहेंगे मुर्गियों को भी मैंने खुला छोड़ा है और फिर ऐसे मैंने अंडे हर जगह देना स्टार्ट भी कर दिया खैर ये सभी अंदर चले जाएंगे तो मैं जो जो अंडे देखते हैं हम वो कलेक्ट कर लेते हैं ये अंडे चले गए ओके यहाँ पे दाना पानी दोनों चीज़ें खत्म हो गई और ये बहुत जल्दी खा रही हैं मुझे लग रहा है मुझे बोलियाँ और लानी पड़ेगी और पानी भी खत्म हो गया है मैं जाता हूँ पानी का पहले ये बास्केट उठा के मैं रखना हूँ उसके अंदर जाकर 5 मिनट के बाद वो सीधे अंदर ही मिलेंगे इसको बंद कर दें पानी भरें आ गया हमारा पानी ये डालना है अंदर एक और बाल्टी ला के डाल देते हैं ये हो गया पानी का तकरीबन चलने वाला अब हम बंद करते हैं दरवाजे दोनों साइडों से ताकि अंदर अंदर जाएँ जितना जितना अंदर जाएँ बाकी को हम अंदर सेफ कर जाते हैं सब सब आवाज है घर में हर तरह की बहुत है ये डाला बंद करा आंटी भी आ गया अच्छा आंटी ने यहाँ पे खड़े खड़े अंदर ले लिया मंदिर और वगैरह हमें बांध भी बनाने हैं इनको अंदर डालते हैं फिर देखते हैं पूछ देंगे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे और
ये चीजें कौन यहाँ पर डाल देगा? सो ये हो गया हमारा, तब आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें अंडे कलेक्ट करने हैं और आज सो जाना है। कल हम लोग से बांध बनाना है। ये था ओके। अब हम आ गए हैं मुर्गे के बैठ गए हैं और ये देखो अंडे कितने बेताश है। ऐसे करते करते हमें रात हो जाएगी और रात को हमें ऐसे सोना होता है। हम कल सुबह कुत्ते के साथ ही सुलग जाएंगे बांध बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक्स कलेक्ट कर लिए। अब हम जा रहे हैं दूसरे क्रिसमस में और ये अंदर सो रहे हैं और बीस के टाइम हो गया था सोने पर। हम यहाँ पे अंडे कलेक्ट कर लेते हैं। तकरीबन एक्स लेफ्ट हमारे लेफ्ट में हो गई। एक माह से पड़ा रहा है वो भी उठा लिया हमने और एक भी पड़ा रहा है। अच्छा ये हो गए हमारे एक्स लेफ्ट, इनको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि अभी इनके पाँच मिनट में बहुत टाइम है। दूसरी गाड़ी हम पार करके अब सोने के लिए जाएंगे और जब अगली दफा निकलेंगे तो उसमें ही पेट्रोल भरवाते रहेंगे। चलो हो गया हमारा काम और अब हम चले सोने के लिए। गुड नाइट।